मैं पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी रविवार दोपहर 2 बजे से लापता बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने अपनी खोजबीन शुरू कर दी। घर के आसपास जंगलों में भी सर्चिंग की गई, मगर अभी तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है। चारों तरफ के रास्तों पर भी नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की गई है। जगह जगह लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, मगर उसके बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। रायपुर आईजी भी मौके पर पहुंच गए हैं और हालात का जायजा ले चुके हैं। आईजी अधिकारियों को सर्चिंग जारी रखने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। साथ ही आईजी का कहना है कि अब बच्चों को ढूंढने के लिए स्पेशल डॉग्स बुलाए जा रहे हैं और इसके अलावा रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम को भी इस काम में लगाया जाएगा। आईजी आनंद छाबड़ा ने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि जब तक बच्ची नहीं मिल जाती तब तक पुलिस की सर्चिंग जारी रहेगी। रायपुर से भी हमने कल अतिरिक्त बल भेजा, एक डॉग स्क्वाड भी आया रायपुर से। अभी एक स्पेशल डॉग है जो कि अचानक मार्ग से निकल गया है, उससे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि खोजने का प्रयास किया जाए। और रायपुर क्राइम की भी एक टीम यहाँ भेजी जा रही है कि अगर साइबर और किसी उससे मदद मिले तो। पुलिस के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है, हम पूरा सजगता से और पूरी मेहनत से और बहुत सीरियसली इस मैटर को डील कर रहे हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम पात्रा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, क्या कर रही है पुलिस? कल 2 बजे से बच्ची गायब हुई, अब तक पुलिस बच्ची का पता ही नहीं लगा पाई है। जी बिल्कुल, मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा इस मामले में कि कल 2 बजे बच्ची जब लापता हुई थी, लापता होने के बाद तमाम सघन अभियान चलाया गया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये खबर निकल कर आ रही है कि बच्ची जो है घर के पास मौजूद जो अधूरे सेप्टिक टैंक है वहां पे उसकी डेड बॉडी मिली है। पुलिस उसकी डेड बॉडी निकाल ली है, पंचनामा किया गया है, पंचनामा के बाद उसको पीएम के लिए भेजा गया है। मामले में जब एडिशनल एसपी से हमने बात किया है तो पहली प्रथम दृष्टया तो इसमें किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका यानी किसी प्रकार की कोई सस्पेक्टेड चीज का उन्होंने साफ इंकार कर दिया है और प्रथम दृष्टया पुलिस यही मान के चल रही है कि ये पूरा मामला दुर्घटना का हो सकता है, लेकिन यह भी बताने की स्थिति में नहीं है कि दुर्घटना अगर है तो दुर्घटना के कारण को भी पुलिस नहीं बता रही है, लेकिन इतना जरूर कह रही है कि पीएम आने के बाद, पीएम रिपोर्ट आने के बाद किसकी मिली है। पुरुषोत्तम जी, बॉडी मिली है पोस्टमार्टम, अभी रिपोर्ट जांच सामने नहीं आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं हुई है। जी बिल्कुल, बॉडी मिलने के बाद उसको पंचनामा करने के बाद जो है बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि जो डेड बॉडी है वो घर के बाजू सेप्टिक टैंक में मिला है और वो ऐसे टैंक में मिला है जो जिसमें पानी बहुत ही कम था, यानी कि 1.5 फीट पानी उस टंकी में था। तो इस तरह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस अगर टंकी में अगर डेड बॉडी मिल रही है तो अगर बच्ची थोड़े कम पानी में किस तरह से डूब के मौत हो सकती है, क्योंकि उसकी शरीर या सर पे किसी प्रकार की चोट के निशान भी नहीं है, तो इस बात से भी इंकार किया जा रहा है कि गिरने से उसकी मौत हुई होगी। यानी साफ तौर पर पीएम की रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस की जाँच की जो दिशा है आगे बढ़ेगी और अधिकारियों का भी यही कहना है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ सकता इसमें आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती। मतलब साफ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले का असली खुलासा हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम जानकारी के लिए। बलाईगढ़ थाना क्षेत्र के